फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि आपको देखने को मिला है कि देखिए सारे मेटल स्टॉक्स के अंदर अब आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट कब दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होगी, और क्या ये सही मौका है मेटल स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाने का? क्या यहाँ से आपको मेटल स्टॉक्स अगले हफ्ते बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे? तो दोस्तों, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चार स्टॉक्स सेल, टाटा स्टील, BSL, NMDC एंड नालको के बारे में बात करने वाले, क्योंकि मेनली देखिए ये चार मेटल स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ आपको देखिए इनके अंदर खरीदारी आपको देखने को मिल रही है या फिर बिकवाली देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम टाटा स्टील BSL के ऊपर बात करते हैं। तो ये फ्राइडे को 94.10 पे क्लोजिंग थी, स्टॉक ने करीबन 1.05 रुपये आपको गिरता हुआ नज़र आया, करीबन 1.10% तक की आपको यहाँ पे देखिए बड़ी गिरावट आपको टाटा स्टील BSL के अंदर देखने को मिली है। स्टॉक में देखिए काफ़ी गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे, पिछले कुछ सेशंस में लगातार देखिए स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और टाटा स्टील BSL की बात करते, देखिए एक बढ़िया तेज़ी के बाद अब स्टॉक फिर से देखिए आपको डाउन आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ फ्राइडे का चार्ट देखते तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक में शुरुआत जो होती है वही हाई बनता है, और देन आप देखिए डायरेक्ट स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नज़र आता है, लगातार देखिए गिरावट बड़ी बनती जाती है। अब देखिए गैप अप ओपनिंग के बाद आपको स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाता है उन लेवल्स पे, और देखिए लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगातार सेम टू सेम पैटर्न में देखिए स्टॉक यहाँ पे मूव कर रहा है। पिछले 5 दिन में आप देखिए दिन के लोएस्ट पॉइंट, पिछले 5 दिन का लोएस्ट पॉइंट पे आके देखिए स्टॉक ने इस बार क्लोजिंग दी है, करीबन 3% के आसपास देखिए स्टॉक आपको टूटता हुआ नजर आया। और देखिए स्टॉक पूरी कोशिश डेफिनेटली कर रहा है, लेकिन वो जो कोशिश होती है वो हर बार प्री ओपनिंग सेशन में होती है। जबकि देखिए प्री ओपनिंग में मार्केट खुलता है तो ये स्टॉक बढ़िया आपको ऊपर खुलता नजर आता है, लेकिन जैसे मार्केट खुलता है देखिए सारी अपनी तेज़ी ये स्टॉक गवा देता है, और फिर देखिए आपको तेज़ी से स्टॉक नीचे आता हुआ नज़र आता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है, अब देखिए स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या था। तो देखिए स्टॉक का रेजिस्टेंस दोस्तों जो आपको देखने को मिल रहा था, वो देखने को मिल रहा था दोस्तों यहाँ से 96 और 98। देखिए अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते तो आपको कहा था कि देखिए 96 और 98 एक ऐसी रेंज है जहाँ पे स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और रेजिस्टेंस है, और एक सपोर्ट था 95 का। देखिए 95 का सपोर्ट टूट चुका है, और अब स्टॉक देखिए अपने क्रूशल सपोर्ट 90 रुपीज़ के टूवर्ड्स हेड कर रहा है। अब पिछला 1 महीने का चार्ट आपके सामने खोल रहा हूँ, आप देखिए सपोर्ट कहाँ लिया था, सपोर्ट लिया था स्टॉक ने यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था 88 के लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था। और आप देखिए उसके बाद आपको स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली थी, जो करीबन यहाँ से स्टॉक आपको 108 रुपये का लेवल दिखाया था। तो अगर यहाँ से 95 का सपोर्ट तो देखिए जैसे टूट चुका है, तो अब 90 और 88 ये दो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखिए आपको नीचे देखने को मिलते हैं। देखिए मेटल सेक्टर के अंदर भी डेफिनेटली गिरावट आपको देखने को मिल रही है, बिकॉज वो ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी नेगेटिव आ रहे हैं। लगातार देखिए मेटल्स के ऊपर नई नई बातें निकल के आती है, कभी चाइना की तरफ से निकल के आती है, कभी US की तरफ से। तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी मेटल इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, प्लस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है, इसके कारण देखिए आपको जो तेज़ी और गिरावट है वो दोनों देखने को मिल रही है। अभी पिछले कुछ सेशन से लगातार देखिए गिरावट देखने को मिल रही है, और पहले आपको बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, तो डेफिनेटली काउंटर काफ़ी वॉलेटाइल है। अब इसमें क्या करना होगा स्टॉक में, देखिए यहाँ पे करंट लेवल के आसपास खरीदारी करके चलिए। मुझे लगता है कि स्टॉक अब 90 रुपये का सपोर्ट लेगा, और कल अगर ये 95 के ऊपर खुलता तब दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन अगर कल 90 रुपये का भी 92 सपोर्ट जो है उसको अगर ये ब्रेक कर देगा, तो फिर 90 रुपये के टूवर्ड्स देखिए आपको स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। कल का जो टारगेट आपको मान के चलना है, वो यहाँ से मान के चलना है करीबन 96 रुपीज़ का। तो दोस्तों ये बात हो गई टाटा स्टील BSL की। अब बात करते हैं NMDC की। अब देखिए NMDC ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, आप देखेंगे जहाँ सारे मेटल स्टॉक्स गिर रहे थे उसके बावजूद आप देखिए यहाँ पे NMDC के अंदर तेज़ी देखने को मिली थी। 193.30 की क्लोजिंग, करीबन 7.70 रुपये बढ़ा, 4% तक की आपको यहाँ पे NMDC के अंदर तेज़ी देखने को मिली। अब देखिए तेज़ी का कारण क्या था, इस स्टॉक में तेज़ी का कारण था क्योंकि वो नंबर्स निकल के आए थे आयरन ओर के, जो इनमें सेल्स अगर इनकी देखी गई तो बहुत बड़ा जंप आपको इनकी सेल्स के अंदर देखने को मिला। उसके बाद आप देखिए स्टॉक लगातार बढ़िया कर रहा है, अब देखेंगे यहाँ पे इस हफ्ते करीबन 3.96% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है, माफ़ कीजिएगा इस हफ्ते आपको करीबन यहाँ पे स्टॉक 8% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और यहाँ पे हमको देखने को मिला पिछला 1 महीना NMDC के लिए इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब देखिए फिर से स्टॉक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है आफ्टर ए गिरावट, और यहाँ से मुझे लगता है कि NMDC बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। देखिए स्टॉक में रेजिस्टेंस आता है ऊपर के लेवल में, वो होता है 198 रुपीज़ का, और अब आपको देखने को मिलेगा कि 198 के आसपास स्टॉक डेफिनेटली आपको थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल रहता नजर आएगा, थोड़ा सा देखिए दिक्कत देगा। बट अगर 198 का रेजिस्टेंस टूट जाता है, क्योंकि देखिए इसका 52 वीक हाई क्या है, 52 वीक हाई है स्टॉक का यहाँ से 213 रुपये का, और आप देखेंगे सारे मेटल स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन फ्राइडे का अगर चार्ट देखो तो स्टॉक के अंदर एक बहुत वॉल्यूम्स के साथ बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली है, और जिनके हाइएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दी है। तो NMDC में बिल्कुल यहाँ पे अभी मौका है खरीदारी करने का, बढ़िया यहाँ से तेज़ी दिखा सकता है, और
एनएमडीसी मुझे लगता है कि बढ़िया परफॉर्म कर सकता है इन लेवल से। करना क्या होगा, करंट लेवल के आसपास खरीदारी करके चलना है आपको एनएमडीसी के अंदर। स्टॉप लॉस दोस्तों जो आपको लगाना है वो लगाना है यहाँ से करीबन पूरे हफ्ते के लिए, होगा 185 रुपीस का। और जो आपको टारगेट रखना है दोस्तों एनएमडीसी के अंदर यहाँ से, वो होगा करीबन जो मुझे लगता है कल के लिए स्पेशली वो होगा 198, और पूरे हफ्ते के लिए हो सकता है 215 रुपये तक का। तो ये रेंज के बीच में देखिए स्टॉक जा सकता है 198 का टारगेट यहाँ पे मंडे के लिए, और 198 से 215 रुपीस तक की रेंज में आपको एनएमडीसी मूव करता हुआ दिखने को मिल सकता है। 185 का एसएल मेंटेन करके आपको यहाँ पे चलना होगा। तो दोस्तों ये बात हो गई एनएमडीसी की, अब बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। अब देखिए सेल ने यहाँ पे 122.90 पे क्लोजिंग दी, 55 पैसे देखिए बढ़ता हुआ देखने को मिला, 45 पैसे तक की आपको यहाँ पे 45% तक की देखिए तेज़ी आपको देखने को मिली है। अब स्टॉक में हमको देखने को मिला है कि देखिए सेल लगातार यहाँ पे आपको एक बढ़िया तेज़ी के बाद आपको लगातार गिरावट दिखा रहा है, बढ़िया तेज़ी का देखिए लगातार गिरावट है। 150 रुपये का हाई बनाने के बाद स्टॉक यहाँ पे आपको लगातार देखिए डाउन आता हुआ नज़र आ रहा है। और सेल की अगर बात करें तो देखिए स्टॉक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे स्टॉक ने आपको जो अपना हाई बनाता हुआ देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में वो 124 का था, एक सडन स्पाइक देखने को मिला था। देखिए सेल पे मैंने कल भी वीडियो बनाया था, मैंने कहा था जब वो 3 PSU सेक्टर स्टॉक्स के बारे में, उसमें सेल भी देखिए एक था। और मुझे लगता है कि यहाँ से सेल परफॉर्म कर सकता है, देखिए इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर। और मुझे लगता है कि देखिए जो वर्स्ट था वो ओवर हो चुका है मेटल इंडेक्स के लिए, और अब यहाँ से बढ़िया तेज़ी दिखा सकते हैं। और स्पेशली मेरा दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जिसपे मैं कह सकता हूँ भरोसा है वो मुझे लगता है सेल है, वो बढ़िया कर सकता है यहाँ से डेफिनेटली। इस हफ्ते आपको स्टॉक ने कोई बढ़िया तेज़ी नहीं दिखाई, पिछला एक महीना करीबन आपको स्टॉक में 9% तक के गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है। और स्टॉक में आपको सपोर्ट ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है, और वो हमको देखने को मिल चुका है कि 115 का नीचे का सपोर्ट है बहुत, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर का एक रेजिस्टेंस है 128-130 का, वो क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली एक बड़ी तेज़ी देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो स्टॉक को हो सकता है कि फिर से अपने नए 52 वीक हाई टूवर्ड्स के लिए तरफ देखिए लेके जाए। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है देखिए सेल के लिए कि यहाँ से स्टॉक आपको जो उसका रेजिस्टेंस है 130 रुपये का उसको क्रॉस करके क्लोजिंग दे, अगर वहाँ पे सस्टेनेबल क्लोजिंग देता है तो फिर देखिए आपको तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि देखिए अटेम्प्ट बहुत बार मारे हैं स्टॉक ने। अब देखेंगे यहाँ पे स्टॉक करीबन 2 से 3 बार आपको अटेम्प्ट मारता हुआ देखने को मिला है, लेकिन कभी भी देखिए उसको क्रॉस नहीं कर पाया। और इस हफ्ते की शुरुआत में लग रहा था कि यहाँ पे स्टॉक आपको अपना रेजिस्टेंस क्रॉस कर देगा, लेकिन देखिए वो क्रॉस नहीं हो पाया। बट मुझे लगता है कि देखिए फिर से यहाँ से आपको स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, आपको करंट लेवल के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। टारगेट रखना है दोस्तों आपको यहाँ पे कल के लिए वो का करीबन 125 से अगर 128 रुपीस का। स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है आपको यहाँ पे करके चलना है करीबन 120 का। पूरे हफ्ते की बात करें तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है करीबन यहाँ से 140 रुपये तक। तो दोस्तों ये बात हो गई सेल की। अब दोस्तों आखिरी स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, वो है नालको। तो देखिए नालको में आप देखेंगे 72.75 की क्लोजिंग, 30 पैसे गिरा, 0.41% तक की गिरावट आपको देखिए नालको के अंदर यहाँ पे देखने को मिली है। अब नालको में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि स्टॉक यहाँ पे अपना सपोर्ट 70 रुपये का ना तोड़े, और अभी तक देखिए उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। नालको में आपको देखने को मिल रहा है कि अभी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है जैसे बाकी सब मेटल स्टॉक्स कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में कि स्टॉक में आपको तेज़ी आखिरी के कुछ मिनटों में आती हुई देखने को मिली है। स्टॉक यहाँ पे कोशिश कर रहा था 73 के जोन को काटने की, डेफिनेटली देखिए क्लोजिंग नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पे पूरा अटेम्प्ट मारा है। तो यही देखिए कि इन मेटल इंडेक्स में फिर से एक तेज़ी लौट सकती है, जस्ट आपको मेंटेन रख रहा है, इसको पेशेंस के साथ होल्ड करना है। देखिए जिन लोगों ने मेटल स्टॉक्स को होल्ड किया होगा उनको यहाँ पे बढ़िया रिटर्न्स मिले, और देखिए जब गिरावट आएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा सा आपका पेशेंस मांगेगी। गिरावट देखिए होती है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस दिखा सके, और देखिए उस स्टॉक को होल्ड करे या फिर उसको ऐड करने की कोशिश करे जो डिप मिल रही है। और यही देखिए मौका है यहाँ पे नालको के अंदर एंट्री लेने का। मुझे लगता है कि 70 रुपये के आसपास बहुत ज़्यादा वेल प्लेस्ड है, इसके नीचे मुझे लगता है कि जाएगा, 70 रुपये का जोन टूटेगा तब देखिए दिक्कत बनेगी, अदरवाइज स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे। और यहाँ से मुझे लगता है कि जैसे 75-76 के जोन को तोड़ेगा, एक दिन भी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आप समझ के चलिए कि नालको के अंदर यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, और स्टॉक यहाँ से आपको करीबन 80 रुपये से लगाकर 90 रुपीज़ तक की जोन में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए नालको के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप देखिए अभी मोमेंटम बन रहा था, लेकिन आप देखेंगे वही पिछला एक महीना काफ़ी ख़राब रहा, लेकिन इस स्टॉक ने देखिए कंसोलिडेशन दिखाया है साफ साफ। देखिए चार्ट पे हमको दिखता है कि 70 रुपये का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको हर बार रेस्पेक्ट दिया, और उसके ऊपर ही देखिए अभी आपको स्टॉक यहाँ पे रहता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यही कि देखिए सपोर्ट का कमाल है, और मुझे लगता है कि वापस से स्टॉक आपको यहाँ पे तेज़ी करता हुआ नजर आ सकता है अगर 75 के जोन को काटता है, क्योंकि देखिए 1, 2 और 3 और 4 टाइम्स देखिए अटेम्प्ट मारा है, लेकिन उस चारों बार देखिए स्टॉक नहीं क्रॉस कर पाया। तो यहाँ पे 75 रुपये का जैसे ही देखिए ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। करंट लेवल के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। टारगेट रखना है आपको कल के लिए वो होगा मुझे लगता है करीबन 74 रुपीज़ का। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है यहाँ पे 71 रुपीज़ का, और पूरे हफ्ते के लिए आप 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। और यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पे 85 रुपीज़ तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं नालको के अंदर।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।